देखिए जो दोनों अक्यूज हैं वो काफ़ी प्लानिंग करके गए हैं और हमें अभी जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे इनपुट है, उसके आधार पे हमारी टीम उनके पीछे है। और क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा सा लोकेशन का जो इसमें इशू है, इसलिए हमारी टीम लगातार वर्क से वर्क कर रही है और इसमें थोड़ा समय लगेगा, परंतु जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़की से कोई संपर्क या लड़की ने कभी कोई संपर्क करने की कोशिश की होगा? देखिए अभी तक कोई संपर्क का कोई प्रयास नहीं है और अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठा हुआ है उसमें इन दोनों के द्वारा प्लानिंग करके घटना की गई है और हमारी टीम्स लगातार इसमें लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार। ये क्या बाहर शहर के बाहर चली गई है, कटनी लोकेशन को चाय की, क्या साथ में है दोनों ऐसा? देखिए अभी दोनों अभी तक जो इनपुट है उसमें वो दोनों साथ हैं और देखिए लोकेशन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा और हमारी टीम लेकिन लगातार लगी है और इंश्योर किया जाएगा दोनों को जल्दी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई है, किस तरह से मारा गया था, क्या कोई एविडेंशियल? हाँ काफ़ी एविडेंशियल प्रूफ है और घटना से 2-3 दिन पहले भी वो लगातार सिटी के कई कैमराज में आए हैं और घटना से पहले भी, एक रात पहले भी, और घटना के बाद का जो उनका मूवमेंट है वो भी काफ़ी एविडेंस देता है कि ये प्लानिंग दोनों द्वारा मिलकर की। पीएम रिपोर्ट क्या बोल रही है सर? देखिए पीएम रिपोर्ट अभी मिली नहीं है लेकिन अभी जो प्राइमरी एविडेंस है वो हत्या का एविडेंस उसमें आया है और अभी जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो अभी जो है रिकवर नहीं हुआ है, परंतु तो लगातार टीम लगी है और जैसे आरोपी गिरफ्तार होंगे तो आगे और क्लैरिटी। सवाल लेकर आएगा उनके पहले जो पिता थे लड़की के और उन्होंने एक आवेदन पुलिस को और संबंधित डीआरएम को दिया था कि वो उनको उनकी जान को खतरा है, सर किसी चीज वायरल ठीक है, ऐसा जो आवेदन है वो भी मेरे संज्ञान में नहीं है। और बाकी सितंबर में जब उन्होंने अपनी बेटी के का जो उसमें 363 का मुकदमा कायम हुआ था तो उसमें जो कौन कार्रवाई जो थी वो की गई। ये जो आरोपी ये लड़का है उसके माता पिता या उसके परिजनों से कोई जानकारी मिल रही है या वो उनकी क्या लोकेशन, क्या वो भी है शहर में या चले? वो यही है और उनसे लगातार बातचीत चल रही है और उनके द्वारा कोऑपरेट किया जा रहा है और जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर हमारे द्वारा टीम भेजी जा रही है। सर ये जो आरोपी है क्या जिम में शौक रखता था, जिम की फोटो जो है वो लगातार वायरल हो रही है? देखिए वो अभी पकड़ने के बाद और पूछताछ होगी उसमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी।